অলিম্পিক 2024 এর জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী প্যালেস অলিম্পিকের জন্য নেশন গিয়ার আপ হিসাবে হ্যাশট্যাগ চালু করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্রধানমন্ত্রী চিয়ার ফর ভারত হ্যাশট্যাগ দিয়ে লেখেন। প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব যারা করবেন তাদের সঙ্গে কথা হলো। দেশকে গর্বিত করার জন্য তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তাদের যাত্রাপথ সফল হয়ে 140 কোটি ভারতবাসীকে আশা জোগাচ্ছে। সবকা স্বাগত হ্যায় और जो साथी सब ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। साथियों, मैं आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आ कर होंगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीज़ें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं, और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं, ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है कि हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है एग्ज़ाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज़ बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं, और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है। वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है एक दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा, दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, कितना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। तभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो नहीं, जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध समृद्ध देश भी, उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती हैं, बहुत सी असुविधाएं होती हैं, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है,
वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे।